न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है, ये तो आपको रोज बताता हूं, लेकिन आज कुछ अलग ये बताने वाला हूं कि आज आपको पाठशाला का रूप थोड़ा बदला बदला सा लग रहा होगा। अमूमन जिस क्लास में आप आते हैं उससे थोड़ा अलग लग रहा है। वजह यह है कि आज मैं लखनऊ में हूं, क्योंकि कल टाइम्स नाउ नव भारत पर नवनिर्माण मंच हम लेकर आ रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बड़े बड़े दिग्गज नेता, बड़े बड़े प्रभावशाली लोग आएंगे और चर्चा करेंगे। और इसीलिए चूंकि मैं लखनऊ में हूं तो ये क्लास भी आउटडोर लग रही है एक तरीके से, लेकिन पाठशाला भले आउटडोर हो गई हो, बदला कुछ भी नहीं है, अंदाज वही है। खबरों के विस्तार में आपको वैसे ही ले जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या होगा। असली नायकों को उनकी पहचान दिलाने वाली क्लास लगेगी। ऐसे नायक जिन्होंने इस देश की आजादी में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन किसी ने याद करना जरूरी नहीं समझा, जरूरी समझा तो एक व्यक्ति ने, और उनका नाम है नरेंद्र मोदी। कैसे उन्होंने आजादी के उन नायकों को याद किया, और आज से नहीं तब से कर रहे हैं जब वो मुख्यमंत्री थे, आज उसकी पूरी क्लास डिटेल में आपको बताऊंगा लगाकर। जिन्हें पीढ़ियां भूल गई उन्हें नरेंद्र मोदी ने कैसे याद किया, उसका पूरा चैप्टर आपके सामने रखूंगा। दौलत छोड़कर देश के लिए 32 साल भटकने वाले राजा के बारे में आपको बताऊंगा। इतना ही नहीं, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी देश की आजादी के लिए, उनका जिक्र करने के बाद उनका जिक्र करूंगा जिन्होंने इस आजाद देश में अपनी पॉलिटिक्स से ऊपर कुछ नहीं समझा। कैप्टन अमरिंदर सिंह का किसान आंदोलन से मन क्यों भर गया है, इसको लेकर भी आज क्लास लगेगी। और फिर आखिर में मुगल सीरीज में बाबर की विरासत वाला चैप्टर भी खोलेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं राष्ट्रवाद की क्लास। तो आज न्यूज की पाठशाला में सबसे पहले वो क्लास जो आजादी के उन नायकों का सम्मान करना सिखाएगी, जिन नायकों को कभी याद ही नहीं किया जाता। मतलब हमने जैसे कि गिन लिया है कि अरे ये 4, 5, 6, 10, 15 नाम है जिन्होंने आजादी दिला दी हो। 15 नाम से आजादी मिली है क्या किसी देश को? 10 नाम से आजादी मिली है क्या किसी देश को? लेकिन इस देश में यही पढ़ाया और सिखाया गया है। ऐसे नायक हैं इस देश के जिन्हें कभी याद नहीं किया गया, जो इस देश के असली हीरो हैं, जिनके नाम भुला दिए गए, और भुलाना तो छोड़िए बताए ही नहीं गए, जिनके नाम आज की पीढ़ी को आपसे पूछूंगा, अभी बताऊंगा तो आपको नाम पता नहीं होगा, इनके योगदान को जैसे कम करके आंका गया हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसका क्रेडिट आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना होगा कि उन्होंने इस परंपरा को बदला। उन्होंने एक बड़ी कोशिश की है कि आजादी के इन नायकों को उनका उचित सम्मान मिल सके, इन्हें आज की पीढ़ी जान तो सके, याद तो कर सके, इनके महत्व को समझ तो सके, और आने वाली पीढ़ियां भी इनका जिक्र करें, इन्हें याद करें उन्हीं तरीके से जैसे आप जवाहरलाल नेहरू को याद करते हैं, सरदार पटेल को याद करते हैं, महात्मा गांधी को याद करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हैं। आप सोचिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ये नाम आपके सामने रखता हूं, आपने ऐसे कितने लोगों ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम आज से पहले सुना था? ईमानदारी से बताइएगा, इधर दिल पर हाथ रखिए और बताइएगा हां राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम सुना था। झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि मुझे पता है 99.8% लोग कहेंगे नाम ही नहीं सुना था। आजादी के लिए इनका संघर्ष छोड़िए, आपको नाम ही नहीं पता तो संघर्ष क्या किया यह कैसे पता होगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ जाकर राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री यूपी जाते हैं, अलीगढ़ जाते हैं, एक स्टेट यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर कर देते हैं। कुछ तो किया होगा इन्होंने, आपके हमारे नाम पर तो यूनिवर्सिटी नहीं है, इसलिए कह रहा हूं कि जानना चाहिए कि इन्होंने क्या किया। सबसे पहले समझिए कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे कौन। वो अलीगढ़ की मुरसान रियासत के राजा थे, और अपने इलाके की, उनके इलाके की बात कीजिए तो बहुत पढ़े लिखे शख्स थे। आज हम पत्रकारिता करते हैं, वो उस जमाने में पत्रकार थे, लेखक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और उन्होंने देश की आजादी के लिए बड़ा संघर्ष किया। भाई 50 से ज्यादा देश उस जमाने में
वो 50 से ज्यादा देश में गए और भारत को आजादी मिल सके उसमें उनका क्या योगदान हो सकता है, इसके लिए उन्होंने मदद मांगी। 32 साल वो देश से बाहर निर्वासित रहे क्योंकि अंग्रेजों को कबूल नहीं था कि भाई ये आदमी इस तरीके से आजादी के लिए मदद मांग रहा है। उन्होंने विदेशी जमीन पर भारत की पहली निर्वासित सरकार भी बनाई थी। सोचिए किस हद तक गए होंगे, देश छोड़ा, जो पैसा था सब लगा दिया और बाहर से भी मदद मांग कर लाए ताकि देश को आजाद कराएं। उन व्यक्ति का जिक्र महेंद्र प्रताप सिंह कौन है किसी ने सुना ही नहीं। आज नरेंद्र मोदी जब उनके नाम पर यूनिवर्सिटी लेकर आते हैं तब चर्चा होती है, और वो भी चर्चा हम ना करें आपको ना बताएं, इस पाठशाला में चैप्टर ना खोलें तो आपको शायद पता ना लगे। और बात सिर्फ राजा महेंद्र प्रताप सिंह की नहीं, आजादी के ऐसे कई गुमनाम नायक हैं जिन्हें याद ही नहीं किया जाता या जिनके बारे में चर्चा नहीं होती, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परंपरा को तोड़ा है और ये एक बार नहीं बार बार कर रहे हैं। वो आज से नहीं कर रहे हैं, तब से कर रहे हैं जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आजादी के ऐसे ही नायक थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, इनका नाम भी शायद आप में से ज्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा। श्याम जी कृष्ण वर्मा की अस्थियों को 56 साल के बाद नरेंद्र मोदी स्विट्जरलैंड से लेकर आए थे, तब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में रहकर क्रांति की मशाल जलाई थी और इंग्लैंड में इंडिया हाउस के जरिए क्रांतिकारियों का समर्थन किया था। सोचिए उस व्यक्ति को भुला दिया गया, किसी ने अस्थियों का जिक्र ही नहीं किया कि इनकी अस्थियां भी लानी चाहिए यहां प्रवाहित हो, लोगों को पता चले। उनकी मौत 1930 में जिनेवा में हो गई थी लेकिन 56 साल तक किसी ने उनकी अस्थियां जिनेवा से भारत लाने की कोशिश ही नहीं की। किसने कोशिश की? नरेंद्र मोदी ने। अस्थियां लाकर गुजरात के मांडवी में श्याम जी कृष्ण वर्मा के जन्मस्थान पर उनके नाम पर मेमोरियल बनवाया। क्या मिला उनको? कोई वोट नहीं मिलता ऐसी चीजों से, लेकिन जिन्होंने देश के लिए जान दे दी उनकी, अगर आप आत्मा की थ्योरी में विश्वास रखते हैं तो उनकी आत्मा को सम्मान मिलता है, उनकी आत्मा को सुकून मिलता है और देश का मान बढ़ता है, देश में लोग उनकी चर्चा करते हैं, राष्ट्रवाद बढ़ता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने इसी सोच को आगे बढ़ाया, गुमनाम नायकों को उनका उचित सम्मान मिले इसके लिए कोशिशें की। इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया, यानी 75वें साल के मौके पर यह कार्यक्रम शुरू किया उन्होंने। 15 अगस्त 2023 तक यह कार्यक्रम चलेगा और 146 ऐसे ही गुमनाम नायकों को याद किया जा रहा है जिनके बारे में भुला दिया गया या बताया ही नहीं गया, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में खुद को झोंक दिया लेकिन उन्हें ना तो ज्यादा याद किया जाता है ना सम्मान दिया जाता है। अब कोई कह सकता है इसको कि अरे महात्मा गांधी को कमजोर करने के लिए, उनके नाम को दबाने के लिए हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। महात्मा गांधी है, 150 क्या 1000 और नायकों का सम्मान कर दीजिएगा तब भी महात्मा गांधी ही रहेंगे, लेकिन अकेले महात्मा गांधी ने आजादी दिलाई हो ये तो नहीं हो सकता ना, उनके साथ जो थे उनका भी तो सम्मान होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, उनको लेकर, सरदार पटेल हो उनको लेकर, बाबा साहब अंबेडकर हो उनको लेकर, नरेंद्र मोदी ने सरकार में आने के बाद कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस घोषित किया। क्या इतने साल लगने चाहिए थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर आप उन्हें पराक्रम दिवस घोषित करें? क्या इतने साल देश को इंतजार करना चाहिए था? अंडमान में एक द्वीप का नाम नेताजी के नाम पर रखा, उनसे जुड़ी हुई जो गोपनीय फाइलें हैं उनको सार्वजनिक किया, क्योंकि बहुत लोगों के मन में था कि भाई उन फाइल्स में क्या है पता तो लगे, तो वो फाइलें सार्वजनिक की गई। दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल म्यूजियम बनवाया, ये पहले नहीं हो सकता था क्या? नहीं हुआ, विडंबना है। इसी तरह से सरदार पटेल को लेकर चर्चा ही नहीं हुई, जिस व्यक्ति ने इस देश को एकीकृत करने के लिए इतनी मेहनत की उन सरदार पटेल का जिक्र ही नहीं होता था, उन्हें सम्मान दिया गया, उनके नाम से राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की। गुजरात के केवड़िया में 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई, और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं जिसमें नरेंद्र मोदी जब उस स्टैच्यू के सामने फूल डाल रहे हैं 2018 में, तो
इतनी बड़ी स्टैचू आप देखिए कि नरेंद्र मोदी कितने छोटे से दिख रहे हैं, और सरदार पटेल का यही कद था इस देश के इतिहास में, इस देश की आजादी की लड़ाई में, इस देश को एकीकृत करने में। लेकिन इतने बड़े, इतने विशालकाय व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति के बारे में चर्चा ही नहीं होती थी, सरदार पटेल का जिक्र ही नहीं होता था। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, इसके बाद बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र कर लीजिए। बाबा साहब के जीवन से जुड़ी जगहों को महत्व दिया गया, उनके जीवन से जुड़ी पांच अहम जगहों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया गया। लंदन में अंबेडकर स्मारक का उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी के राज में, और दिल्ली में अंबेडकर नेशनल मेमोरियल बनवाया गया। क्या यह पहले नहीं हो सकता था? बाबा साहब अंबेडकर का नाम, उनके उनका जिक्र, उनके संविधान, उनके बनाए संविधान का जिक्र सब करते हैं, लेकिन वो सम्मान नहीं मिलना चाहिए था क्या अंबेडकर साहब को? आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर स्टेट यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही बात कही कि आजादी के आंदोलन में बहुत महान लोग थे भाई, जिन्होंने जिंदगी खपा दी, और उनके बारे में आज की पीढ़ी को अनजान रखा गया। ये वो गलतियां हैं जिसे 21वीं सदी का भारत सुधार रहा है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी को। भारत का हजारों वर्ष का इतिहास ऐसे राष्ट्रभक्तों से भरा है जिन्होंने समय समय पर भारत को अपने तप और त्याग से दिशा दी है। हमारी आजादी के आंदोलन में ऐसे कितने ही महान व्यक्तित्वों ने अपना सब कुछ खपा दिया, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्रनायक और राष्ट्रनायिकाओं की तपस्या, इस तपस्या से देश की अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। उनकी गाथाओं को जानने से देश की कई पीढ़ियां वंचित रह गई। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही बात कह रहे हैं जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि पढ़ाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया, जिक्र ही नहीं हुआ, और जिसका एक बड़ा एग्जाम्पल आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में जब चर्चा होती है तो समझ में आता है। उनके बारे में थोड़ा आपको और बताता हूं कि जब गलतियों को सुधार रहे हैं, उन हीरोज को, अनसंग हीरोज को निकालकर ला रहे हैं जिनके सामने आज सिर झुकाना चाहिए हमें आजादी के 75 साल मनाते वक्त, कि आप लोगों की वजह से हम आजाद हैं, आज आपकी वजह से इस देश में लोग आजाद होने के साथ साथ आजादी का इतना फायदा उठाते हैं कि लेकर रहेंगे, आजादी का नारा भी लगाते हैं और आराम से घूमते हैं, ये जिनकी वजह से है उनको तो सलाम कीजिए। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जब जिक्र करता हूं, दिसंबर 1914 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह भारत से बाहर चले गए थे। नाम में ही राजा है ना, कोई कमी तो थी नहीं, लेकिन चले गए भारत से बाहर। मकसद क्या था? कि आजादी के लिए दुनिया भर से समर्थन मिल जाए। सब अपने अपने तरफ से कोशिश कर रहे थे। इन्होंने कहा मैं दुनिया से समर्थन लेकर आता हूं ताकि भारत को समर्थन मिलेगा तो यहां पर आजादी मिलेगी। भारत की आजादी के लिए जापान से संपर्क किया, जर्मनी, रूस, सबसे मदद मांगी इन्होंने। काबुल में रहते हुए उन्होंने 1915 में पहली निर्वासित हिंद सरकार बनाई थी, उसी काबुल में जिसका जिक्र आज आप सुनते हैं ना कि तालिबान की सरकार बन गई, वहां राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने पहली निर्वासित हिंद सरकार बनाई थी, और पहली निर्वासित सरकार में राजा महेंद्र राष्ट्रपति बने थे। उस आदमी को बुला ही दिया गया,
चर्चा ही नहीं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अपने करीबी मोहम्मद बरकतुल्ला भोपाली को पीएम बनाया, उस जमाने में सोचिए। और जो काम राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने किया था वही काम बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी किया। फर्क बस इतना था कि नेताजी देश वापस नहीं आ सके और राजा महेंद्र प्रताप सिंह 1946 में देश लौटकर आए, यानी आजादी के बाद भी यहां रहे लेकिन सम्मान नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इतिहास के पन्नों में कुछ नाम को इतनी बार लिखा गया कि दूसरे नामों के लिए जगह ही नहीं बची पन्नों में। और इसीलिए आज पाठशाला में यह पूरा चैप्टर खोल रहा हूं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज परिवार से थे, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था, पैसे की कोई कमी नहीं, आराम से जी सकते थे, रह सकते थे। उन्होंने आत्मकथा भी लिखी, माई लाइफ स्टोरी ऑफ 55 ईयर्स, और लिखते हैं कि उस जमाने में अपनी आत्मकथा में कि फरीदकोट में उनके बड़े भाई की शादी में 17 लाख रुपए खर्च हुए थे। उस जमाने में 17 लाख रुपए, मतलब आज की तारीख में आप कैलकुलेट करने जाइएगा तो करोड़ों रुपए फरीदकोट में अपने भाई की शादी में खर्चने वाला व्यक्ति सब मोह माया छोड़कर, ऐशो आराम छोड़कर किस लिए लड़ रहा था कि इस देश को आजादी मिले। पैसा लुटा दिया, जवानी लुटा दी, उम्र लुटा दी, और मिला क्या कि महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक यूनिवर्सिटी कब खुलेगी 2021 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये इस देश ने दिया है। हाथी घोड़े गहने चांदी के फर्नीचर के अलावा 4 लाख रुपए कैश मिले थे उस शादी में जिसका जिक्र कर रहा हूं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह की शादी जींद में हुई और खुद उनकी शादी में 3,75,000 रुपए उस जमाने में खर्च हुए थे। फिर भी उन्होंने खुद को आजादी के आंदोलन में झोंका। 1906 में वो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन को सुनने के लिए गए थे। सब खुद लिख रहे हैं, अपनी किताब में लिख रहे हैं कि मैं गया 1906 में सुनने के लिए। उन्होंने वहां पर दादा भाई नौरोजी को सुना, बाल गंगाधर तिलक को सुना, बिपिन चंद्र पाल को सुना। कांग्रेस के इस अधिवेशन में स्वदेशी का नारा दिया गया था कि हम अंग्रेजों का बहिष्कार करना है तो स्वदेशी अपनाएं, अपने आप को मजबूत करें। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भी कसम खाई कि वो सिर्फ स्वदेशी का ही इस्तेमाल करेंगे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, चाहते तो आराम से जो चाहते पहनते खरीदते, लेकिन नहीं, देश की आजादी के लिए स्वदेशी के लिए जुड़ गए। उन्होंने वापस आकर घर के विदेशी कपड़े जलाने शुरू कर दिए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह लिखते हैं अपनी किताब में कि कीमती कपड़े जलाने से उनकी पत्नी नाराज भी हो गई कि क्या कर रहे हो, क्यों जला रहे हो। और पत्नी ने रोका कि इतना महंगा महंगा है, इसको जलाकर क्या मिलेगा। और भाई, आप जब राजशाही परिवार से हैं, आपको लगता है कि ये आपकी शान शौकत का हिस्सा है, मोहमाया हो ही जाती है। अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह के लिए था कि भाई देश के नाम पर जला देना, पत्नी को लग रहा था क्यों जला रहे हो, क्यों वेस्ट करते हो, तो वो रोक रही थी। इससे इस बात पर उनकी पत्नी से लड़ाई हो गई। और बाद में बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह पत्नी की सिर्फ एक टॉवल जला पाए। मतलब उस जमाने में भी पति पत्नी में बवाल हो गया। पति जो है वो देश के लिए सब जला देना चाहते थे, उन्होंने कहा मत जलाओ, तो अपना तो सब जला दिया लेकिन पत्नी का भी इतनी लड़ाई होने के बावजूद एक तौलिया जला दिया उन्होंने, उससे ज्यादा नहीं जला पाए। तो आजादी से लेकर, आजादी के पहले से लेकर अभी तक कम से कम पति पत्नी के रिश्तों में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। खैर, बदलाव जो इतिहास में आना चाहिए वो तो आ रहा है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजादी की लड़ाई के बड़े बड़े नेता राजा महेंद्र प्रताप सिंह को जानते थे, आप और हम नहीं जानते क्योंकि हमको बताया नहीं गया ना। बड़े बड़े नेता तब से जानते थे कि यह आदमी क्या कर रहा है। वो कांग्रेस में नहीं थे लेकिन बड़े नेताओं से उनका संपर्क था, अपने लेवल पे काम कर रहे थे। लेकिन आजादी के बाद जो तरजीह मिलनी चाहिए वो मिली नहीं, और वो अकेले नहीं है जिनको ऐसी नहीं मिली है, बहुत सारे। आजादी के बाद बनी सरकार में भी उन्हें कोई जगह नहीं मिली। जिस आदमी ने देश के बाहर सबसे पहली निर्वासित सरकार बना दी, उस आदमी को अपने ही देश में जिसकी लड़ाई के लिए वो, जिसकी आजादी की लड़ाई वो लड़ रहे थे, जब यहां सरकार बनी तो कोई जगह नहीं मिली।
लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने इसी लोकतंत्र में चुनाव में अपनी धाक दिखाई और इसका उदाहरण है 1957 में मथुरा लोकसभा सीट का चुनाव। और बड़ा दिलचस्प किस्सा है, यह भी सुनिए। इसी चुनाव में कांग्रेस के नेता दिगंबर सिंह के सामने राजा महेंद्र प्रताप सिंह निर्दलीय खड़े हो गए। मतलब आजादी के पहले भी वो अपने रास्ते चलते थे, अब लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए तो निर्दलीय हुए। वो तब भी कांग्रेस के साथ नहीं थे, अब भी कांग्रेस के साथ नहीं थे और चुनाव जीत गए। 95,000 वोट मिले राजा महेंद्र प्रताप सिंह को और चौधरी दिगंबर सिंह को 69,000 वोट मिले। लेकिन इसी चुनावी लड़ाई में, इसी सियासी लड़ाई में एक और व्यक्ति का नाम था और वो कौन थे आपको पता है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी उस जमाने में 1957 में जनसंघ के टिकट पर आगरा से चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें 23,620 वोट मिले। अटल जी की जमानत जब्त हो गई, यहां पर जमानत जब्त हो गई इनके सामने। लेकिन फिर वो बलरामपुर से दूसरी जगह से भी चुनाव लड़ रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो वहां से जीत गए लेकिन ये वाला हार गए। तो अटल बिहारी वाजपेयी को जिन महेंद्र प्रताप सिंह ने हरा दिया, उनको आज उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करते हैं। ये इस देश को सम्मान दिलाने वालों का असली सम्मान होता है, पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर। सोचिएगा इसके बारे में। अच्छा, अलीगढ़ की बात हो रही है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी जिक्र होता है। अलीगढ़ मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इससे ज्यादा तो चर्चा ही नहीं आगे बढ़ती। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने शिक्षा को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया, खुद ही कॉलेज भी खोले, स्कूलों में दान दिया, लेकिन उनके नाम पर कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं है, ना रखी गई, अब जाकर हो रहा है। लेकिन उनका और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी कनेक्शन था जो आपको बताना चाहता हूं। महेंद्र प्रताप सिंह के पिता राजा घनश्याम सिंह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद के दोस्त थे। महेंद्र प्रताप के परिवार ने एएमयू बनने से पहले वहां चलने वाले स्कूल कॉलेज को बनाने में मदद भी की कि पढ़ाई लिखाई आगे बढ़नी चाहिए। महेंद्र प्रताप खुद एएमयू से पहले सर सैयद अहमद के बनाए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल में पढ़े थे। राजा महेंद्र प्रताप के परिवार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए 1929 में 3.8 एकड़ जमीन भी दी थी। जमीन दे दी, रखो भाई, लगाओ इसको, पढ़ाई लिखाई आगे बढ़नी चाहिए। 1977 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के शताब्दी समारोह में राजा महेंद्र प्रताप सिंह खुद मुख्य अतिथि थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में भी राजा महेंद्र प्रताप की तस्वीर लगी हुई है। हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी हॉस्टल, किसी लाइब्रेरी का नाम तक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर नहीं है और न राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने कभी कहा कि मैंने करीब 4 एकड़ जमीन दी है, मेरे नाम पर कुछ रखो। ये लोग वो लोग हैं जो नाम के बारे में सोच ही नहीं रहे थे, देश के बारे में सोच रहे थे, लेकिन देश इनके बारे में नहीं सोच रहा था। और देश क्यों कहें, देश के कुछ लोग, देश के कुछ हुक्मरान, देश की कुछ पार्टियां, देश के कुछ नेता वो नहीं सोच रहे थे। ये इस देश में अनसंग हीरोज का इतिहास है जो आपको जानना चाहिए था। महेंद्र प्रताप सिंह अकेले नहीं है, जिन्हें स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ाया जाना चाहिए था, उनको वहां से गायब कर दिया गया। और नरेंद्र मोदी जो इस देश में कई परंपराओं को तोड़ रहे हैं, कल मैंने आपको बताया था कि कैसे वो पॉलिटिक्स में कई परंपराओं को तोड़ रहे हैं, उसके बाहर भी देखिए कितनी परंपराओं को तोड़कर उन लोगों को सम्मान दिला रहे हैं जिनसे वोट नहीं मिलना है। महेंद्र प्रताप सिंह का नाम का जिक्र कर दिया, ऐसा नहीं कि यूपी में वोट धड़ 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 गिरने लगेगा कि अरे नरेंद्र मोदी ने इनको सम्मान दिला दिया, उसके लिए नहीं है। लेकिन जो डिजर्व करते हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए, ये हो रहा। और हम भी कम से कम ये अपनी तरफ से तो करें कि ढूंढे निकालें जिन किताबों में, उनको तो पढ़ें, और आप ना पढ़ें तो कम से कम पाठशाला में, न्यूज की पाठशाला में आइए, हम ही बताएंगे। अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी, लेकिन इस चैप्टर में इतना ही। अब उन नेताओं का चैप्टर खोलता हूं, उनकी क्लास भी लगानी जरूरी है जिनके पॉलिटिक्स को देखकर आपको लगेगा कि उनको इस आजादी का महत्व है क्या, क्योंकि वो किसानों को भड़का रहे हैं। किसानों को भड़काते हैं
और दूसरी तरफ देश विरोधी आवाजों को बचाते हैं। ये डबल गेम नहीं चल सकता इस देश में बॉस। देश को बर्बाद करने के लिए आप बैठे हैं क्या कि डबल गेम चल रहा है आपका? पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को अब किसान आंदोलन अच्छा नहीं लग रहा है। ट्रैक्टर में बैठ बैठ के बहुत फोटो खींचा है लेकिन अब अच्छा नहीं लग रहा है। किसानों के प्रदर्शन से अमरिंदर सिंह परेशान हो गए, किसानों से अपील कर रहे हैं कि पंजाब में प्रदर्शन मत कीजिए, बाहर जाइए। कह रहे हैं दिल्ली जाओ, हरियाणा जाओ, वहां करो, यहां नहीं करो, हटाओ उसको। ये क्या बात हुई भाई? ये तो वैसे हो गया कि अपने बच्चे से कह दिया यहां घर में मत खेलो, शीशा टूटेगा, जाके पड़ोसी के यहां खेलो, बिल्लू के यहां खेलो ना यार, उसके यहां तोड़ो। क्यों? हरियाणा और दिल्ली जो है वो देश में नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब का घाटा दिख रहा है कि किसान आंदोलन से पंजाब में घाटा हो रहा है और देश का हो रहा है वो नहीं दिख रहा है। हम लोग जब बताते हैं तो हमें किसान विरोधी बताया जाता है लेकिन देश समर्थक है ये नहीं बताया जाता। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी बोलना पड़ गया ना, कह रहे हैं कि पंजाब में किसानों के प्रदर्शन से आर्थिक नुकसान हो रहा है। स्टेटमेंट सुनिए उनका, फिर आगे की बात बताता हूं। पंजाब में भी 113 जगह किसान बैठे ने, इहदा फायदा की होगा? आर्थिक तौर पर नुकसान पंजाब का ही होगा, फायदा की है? वो जो दिल्ली कर रहे हैं, हरियाणा कर रहे हैं, तुसी उठे करो। लेकिन 113 जगह पंजाब दे विच बैठना और पंजाब की आर्थिकता नु कमजोर करनी, इहदा कोई फायदा? कह रहे हैं क्या पंजाब का फायदा क्या है? अरे देश का फायदा क्या है वो तो पूछिए पहले। जिन कानूनों पे चर्चा होनी चाहिए, कोई चर्चा नहीं लेकिन चल रहा है। अभी मेरे ही शो में आपने देखा था ना, राकेश टिकैत जवाब नहीं दे पाए सवालों के लेकिन चल रहा है। पानी में लेट लेट के जलपरी की तरह फोटो खिंचा रहे हैं। अरे भाई देश यहां जो है कोरोना काल से उभर रहा है और आपका फोटो सेशन खत्म नहीं हो रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कह रहे हैं उनकी बातों को समझिए। पहली बात, वो ये चाहते हैं कि किसान जो है वो पंजाब को बख्श दें। दूसरी बात, पंजाब में 113 जगह पर जो किसानों का प्रदर्शन चल रहा है वो हट जाए। तीसरा पॉइंट उनका ये है कि दिल्ली बॉर्डर और हरियाणा बॉर्डर पर जाके जो करना है करो, यहां मत करो। घर में बच्चे को नहीं डांटते हैं कि हटो यार, यहां से जाओ, उधर जाके जो खेलना है खेलो, हंगामा करना करो, मेरे रूम से हटो। किसानों की इतनी बात करते हैं, प्रदर्शन करने के लिए जगह नहीं दे सकते? चाहते हैं कि किसान जो है वो केंद्र सरकार पर दबाव बने, यहां मत करे वहां जाकर करे, और पंजाब के टोल प्लाजा से हट जाए। एक बात तो वो ठीक कह रहे हैं कि किसानों के आंदोलन से हासिल कुछ नहीं हो रहा लेकिन जा बहुत कुछ रहा है। उनकी दलील क्या है कि पंजाब में करोगे तो हासिल कुछ नहीं होगा, आर्थिक नुकसान होगा, और आप पंजाब में प्रदर्शन करके पंजाब को ही नुकसान पहुंचा रहे हो? इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ही एकलौती पार्टी है जो किसानों के साथ है, कांग्रेस ही पहले दिन से तीनों कानूनों के खिलाफ है, कानूनों को काउंटर करने के लिए अगर बिल पास किए तो किसानों के लिए विधानसभा का सत्र भी बुलाया था। वो ये नहीं बताते कि विधानसभा में कानून खारिज करके कुछ होना नहीं है, कुछ मिलना नहीं है, लेकिन हमने किया था ये बताते हैं। वो ये नहीं बताते कि यही तीनों कानून में जो प्रावधान है ये हम भी चाहते थे कि हो जाए जब हम सत्ता में थे, लेकिन आप पलट गए। किसान का फायदा कहां है ये नहीं बताते। वो ये बताते कि किसान से नुकसान हो रहा है, यहां से उठो उधर जाओ। पंजाब को नुकसान कितना हो रहा है इसको सुनिए। इसलिए नहीं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बता रहे हैं, इसलिए कि पंजाब भी इसी देश में है और नुकसान होता है तो देश को होता है। पहला नुकसान, टोल कलेक्शन से 487 करोड़ रुपए का नुकसान पंजाब को हुआ। दूसरा नुकसान, पंजाब की जो इंडस्ट्रीज है उन्हें करीब 13,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। पढ़ पंजाब रहा हूं, आप सुनिएगा देश के लिहाज से कि यह देश का नुकसान है। इसी साल मार्च में भारत बंद के दौरान पंजाब को 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आंदोलन की वजह से 24 बड़े रोड प्रोजेक्ट जो है वो हर दिन वहां पर 4 करोड़ रुपए का, हर दिन 4 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। सोचिए ये किसान आंदोलन तार्किक तरीके से होता, चर्चा से होता, जो सही मुद्दे हैं उन पर होता तो ये पैसे बचते, तो देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने के काम आते और शायद किसानों के ही काम आ जाते ना।
चलाओ, करते रहो। अब आपको बताते हैं कि किसान आंदोलन से देश का कितना नुकसान हुआ। अभी सिर्फ पंजाब का बताया था। टोल प्लाजा में जो कलेक्शन होता है उसमें देश को हर दिन 1,80,00,000 रुपए का नुकसान हर रोज हो रहा है, हर रोज। किसान आंदोलन से 9,000 छोटी बड़ी कंपनियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है, 9,000 कंपनियों को। और उन कंपनियों को नुकसान होता है तो यह मत सोचिएगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के किसी व्यक्ति की नौकरी जाती है, या राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी या किसी बड़े नेता के घर के किसी व्यक्ति की नौकरी जाती है। वो नौकरी उन्हीं किसानों के बच्चों की जाती है जिनको किसान कर्ज लेकर फसल उगाता है, पढ़ाता लिखाता है और फिर भेजता है, जाओ नौकरी करो, किसानी में क्या मिलना है। वो नौकरियां इन्हीं किसान आंदोलन से जा रही है, लेकिन कोई चर्चा नहीं हो रही इस पर। माल ढुलाई में 50% ज्यादा समय लग रहा है, लागत से 8-10% बढ़ गई है कीमत। दिल्ली एनसीआर में कारोबार को 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। हर दिन हजारों ट्रक माल लेकर दिल्ली आते हैं और दिल्ली से जाते हैं, लेकिन बॉर्डर ब्लॉक होने की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है, दिक्कत आ रही है लोगों को, और आ भी रहे हैं, घूम के आ रहे हैं। और जब वो घूम के आएंगे तो उनका खर्चा बढ़ेगा, तो इधर ही डालेंगे ना, वो क्या है, आपको सस्ते में दे देंगे सामान। अमरिंदर सिंह को पंजाब में प्रदर्शन से दिक्कत है, लेकिन दिल्ली बॉर्डर सील है, इससे दिक्कत नहीं है। अमरिंदर सिंह को पंजाब का आर्थिक नुकसान दिखता है, लेकिन दूसरे राज्यों में आर्थिक नुकसान हो रहा है यह नहीं दिखता है, और सब मिलाकर देश का नुकसान हो रहा है यह नहीं दिखता है। और अब आपको पंजाब में ही कांग्रेस के ही एक विधायक का बयान दिखाता हूं। पंजाब कांग्रेस के विधायक राजकुमार वेरका खुद कबूल कर रहे हैं कि यह पूरे आंदोलन में कांग्रेस का हाथ है और यह कांग्रेस प्रायोजित प्रोटेस्ट है। सुनिए उनको। ये सच है कि ये पंजाब स्पॉन्सर जो है वो पंजाब के किसानों का आंदोलन है, ये सभी पार्टियों के स्पॉन्सर आंदोलन है। मैं कहता हूँ ये आपको बात, ये बीजेपी के खिलाफ आंदोलन है, जिन्होंने हमारे खेती कानून जो काले कानून लेकर के आए हैं, ये तमाम संघर्ष उसके खिलाफ है। इसमें क्या शक है कि कांग्रेस किसानों के साथ है, इस संघर्ष के साथ है, तो हमारी साजिश है उसके साथ, इसमें क्या परेशानी है। मैं खुल के कहता हूँ हम किसानों के साथ हैं और हम पूरी तरह से उनके साथ। विर्क साहब को आप सुन रहे हैं, अब किसानों पर राजनीति में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तो इनसे एक कदम और आगे चले गए। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने दिल्ली में किसान आंदोलन की शुरुआत की थी, मतलब पहले जिस किसान आंदोलन को कहा जा रहा था कि किसानों का आंदोलन है, अब उस आंदोलन का क्रेडिट लेने में भी ये लोग पीछे नहीं खुलकर सामने, क्योंकि इनको लगता है कि किसानों को यह दिखाएं हमने किया है, ये नुकसान भी आप ही के खाते में जाएगा, किसी और के खाते में नहीं जाएगा। प्रियंका गांधी ने यूपी में किसान महापंचायत का आयोजन किया। भूपेश बघेल किसान आंदोलनकारियों को छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी दे रहे हैं। दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा था उसको तो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी सबसे पहले शुरुआत की। पंजाब में और हरियाणा में ट्रैक्टर के द्वारा यात्राएं उन्होंने की। प्रियंका गांधी जी लगातार राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में किसान महापंचायत का उन्होंने आयोजन किया। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देशव्यापी आंदोलन उन्होंने किया है। छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। यहाँ भी यदि वो लोग समर्थन मांगते तो निश्चित रूप से स्वागत है। अच्छा, जो लोग इतना कह रहे होंगे, इतना कर रहे होंगे, इतना दर्द दिखा रहे होंगे, आपको लगेगा कि इनसे ज्यादा तो कोई किसानों के बारे में सोच नहीं रहा होगा ना, और कौन सोच रहा होगा। लेकिन आपको पंजाब के उस कानून की बात बताता हूं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में करार तोड़ने पर किसानों को सजा का प्रावधान। 2013 में पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पारित हुआ। प्रकाश सिंह बादल सरकार इस कानून को लेकर आई थी, और ये किसान और व्यापारी या कंपनी के बीच करार पर कानून है कि मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, करार कीजिए और फार्मिंग कीजिए। लेकिन केंद्र ने जो कानून बनाया उससे अलग इस कानून में क्या है कि करार तोड़ने पर कंपनी या किसान को 1 महीने की जेल का प्रावधान है। जेल हो सकती है किसान को, जबकि केंद्र जो कानून लाया उसमें जेल होने का प्रावधान ही नहीं है किसान को।
व्यापारी कंपनी के करार तोड़ने पर 1 महीने की जेल या 1 से 10 लाख रुपए का जुर्माना है। जिस किसान की कमर टूट जाएगी 1 से 10 लाख रुपए का जुर्माना देने पर, उस किसान के लिए वही कानून पंजाब में लागू करके भाई 5 साल में हटा देते अगर आप इतना सोच रहे थे किसानों के बारे में, उसको नहीं बदला। किसान जेल चला जाए 10 लाख का जुर्माना भरे, ये इनको मंजूर है, लेकिन जिस कानून में ये सारा प्रावधान नहीं है वो हट जाना चाहिए। किसान के करार तोड़ने पर इसी कानून में 5,000 से 5 लाख तक रुपए का जुर्माना रखा गया है, जबकि केंद्र के कृषि कानून में किसान को सजा का प्रावधान ही नहीं है और वो किसी भी वक्त चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ सकता है। तो सब अपने अपने हिसाब से किसान के नाम पर फसल उगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये फसल उगेगी तो फायदा होगा और इसमें चुनाव में कुछ ना कुछ वोट तो आएगा। किसानों को समझना है, देखना है कि उनके हिस्से की बात हो भी रही है या नहीं हो रही। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि एक तरफ किसानों को भड़काया जा रहा है, दूसरी तरफ जो देश के खिलाफ काम करते हैं, जिन पर देश के खिलाफ काम करने का आरोप है, उनके समर्थन में खड़े हैं लोग। देश विरोधी आवाजों को बचाया जा रहा है। दिल्ली दंगों का आरोपी उमर खालिद, इन लोगों का, कई लोगों का ऐसे ही लोगों का हीरो बना हुआ है उमर खालिद। दिल्ली दंगों के आरोप में 1 साल से जेल में बंद है, लेकिन अब उसे रिहा करवाने के लिए एक पूरा वर्ग है, पूरा दम लगाए हुए कि छोड़ दो भाई को, छोड़ दो भाई को, मेरा भाई वहां है। अरे वो भाई किस मामले में, वो भी तो देखिए। और इतना क्लीन चिट वाला मामला होता तो 1 साल से जेल में थोड़ी होता। लेकिन आपको जानना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो उमर खालिद की रिहाई की मांग कर रहे हैं। पूरी लिस्ट आपको दिखाता हूं। आरजेडी सांसद मनोज झा कहते हैं उमर खालिद को छोड़ दो। योजना आयोग के पूर्व सदस्य हैं सईदा हमीद, बोलती हैं छोड़ दो। प्रशांत भूषण, इनका नाम तो होना ही था, वो तो छूट नहीं सकता इस लिस्ट में, इनका नाम ना हो। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के पूर्व अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान, उमर को छोड़ दो भैया, उमर को छोड़ दो। किसान नेता जसबीर कौर, लेखक भरत भूषण, इसके अलावा कांग्रेस के नेता हैं उदित राज, वो तो उमर खालिद को हीरो बता रहे हैं कि हीरो है, सुनिए उनको। इस तरह से कि सत्ता के सामने झुका नहीं और गलत के खिलाफ खड़ा हुआ है, अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ, जो भी खड़ा है सब हीरो है हमारे लिए, आपके लिए भी हीरो होना चाहिए। जो प्राइस राइट के खिलाफ और जो कानून है उसके दुरुपयोग के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ जो भी खड़ा हो और खड़ा ही ना हो, जेल जाने तक को तैयार हो, सरेंडर ना हो, तो हीरो तो है ही है। मतलब इनके इनके पॉलिटिकल एजेंडे में जो सेट होता है वो सब हीरो हो, चाहे उस पर कैसे भी आरोप लगे। उमर खालिद का विवादों से आजकल आता है क्या? फरवरी 2016 की बात कर लीजिए, जेएनयू कैंपस में देश विरोधी नारे लगाए गए थे। इस मामले में उमर खालिद के साथ कन्हैया कुमार भी फंसे थे, आपको याद होगा उनका भी नाम आया था। उमर खालिद पर राजद्रोह का केस चला, इस केस में अभी जांच चल रही है। जुलाई 2016, आतंकी बुरहान वानी की तारीफ में फेसबुक पर इसी आदमी ने पोस्ट लिखी थी आतंकी बुरहान वानी के बारे में। सितंबर 2020, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगों का मामला, उमर खालिद को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उस पर UAPA लगाया गया और उस मामले में ये लोग चाहते हैं कि छोड़ दो इसको। क्यों, कोर्ट पर भरोसा नहीं है? कोर्ट भी तो सुनी रही है ना बात। 2018 में भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में FIR में उमर खालिद का नाम था। खालिद पर भाषण के जरिए हिंसा फैलाने का आरोप है। मतलब पूरा इतिहास चला आ रहा है ऐसे मामलों का, कहते हैं छोड़ दो। और ये अकेले नहीं है, आपको याद होगा वरवर राव का नाम था। वरवर राव जो नक्सलियों को सपोर्ट करते हैं और नक्सली हिंसा में जो अपने जवान मारे जाते हैं, कहते हैं वहां गए क्यों थे, तो मरेंगे नहीं, ऐसे आदमी को, ऐसे जहर भरे आदमी को ये लोग कहते हैं जेल में क्यों रखा, छोड़ दो, उम्र हो गई। अरे इसी उम्र में वो आदमी जहर फैला रहा है, कैसे कैसे आरोप लगे ये भी तो देखिए। तो कभी वरवर राव हीरो हैं, कभी उमर खालिद हीरो है, देश की कानून व्यवस्था कहां है? लेकिन चलता है ऐसा। पाठशाला में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार मुगलों का एक और चैप्टर लेकर आऊंगा।
और अब पाठशाला में हिस्ट्री की क्लास में मुगल सीरीज का चैप्टर। पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि हिंदुस्तान में 4 साल के दौरान बाबर ने अपना साम्राज्य कैसे फैलाया। काबुल से लेकर बिहार तक बाबर का राज था, इसमें कैसे जिहाद के जरिए उसने युद्ध जीते, ये सब आपको हमने इस सीरीज में बताया। उसने अपने बेटे हुमायूं को बादशाह घोषित किया। दिसंबर 1530 में बीमारी की वजह से बाबर की मौत हो गई। और अब उसके बेटों और उसकी विरासत के बारे में आपको बताते हैं। हिंदुस्तान में बाबर 4 साल तक रहा, 4 साल में 4 युद्ध भी लड़ लिए और मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने के लिए उसके पास 4 बेटे भी थे। 4 से बड़ा कनेक्शन था, हुमायूं, मिर्जा कामरान, मिर्जा अस्करी और मिर्जा हिंदाल, ये उसके 4 बेटे थे। आपने हुमायूं के बारे में ज्यादा सुना है। बाबर अपने बेटों को सत्ता के केंद्र में रखना चाहता था, उसकी कोशिश थी कि भाई बेटे ही सब चलाएं संभाल। और कम उम्र से ही बाबर ने बेटों की वो ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी, क्योंकि उसको पता था कि यहां अगर सर्वाइव करना है तो लड़ना पड़ेगा, ऐसे तो मिलेगा नहीं सब कुछ। उसने तैमूर की परंपरा का पालन किया, बेटों को अलग अलग प्रांत का सूबेदार बना दिया कि सूबेदार बनेंगे तो संभालेंगे भी, सीखेंगे। हुमायूं को 1519 में बख्शां का सूबेदार बनाया गया और 1520 में मिर्जा कामरान को कांधार का सूबेदार बना दिया गया। मिर्जा अक्सरी को मुल्तान का सूबेदार बनाया गया और मिर्जा हिंदाल को 1529 में हिंदाल का सूबेदार बनाया गया। मतलब 4 बेटे, चारों को 4 जगह सूबेदार बना दिया। हालांकि जीवन के आखिरी समय में बाबर को हुमायूं की काबिलियत पर शक होने लगा था। घाघरा युद्ध में साथ देने के लिए बाबर ने हुमायूं की जगह मिर्जा अक्सरी को बुलाया, क्योंकि हुमायूं पर उसको लग रहा था ये ठीक से संभाल नहीं पा रहा है। कहा जाता है कि बाबर ने मरते समय हुमायूं की जगह अपने सबसे छोटे बेटे हिंदाल को बुलाया था और हुमायूं से बाबर के रणनीतिकार भी खुश नहीं थे। सलाहकारों ने बाबर के बहनोई मेहदी ख्वाजा को बादशाह बनाने की सोची थी, क्योंकि हुमायूं से नहीं संभलेगा ये लग रहा था लोगों को। लेकिन आखिरकार हुमायूं बाबर के बाद बादशाह बनाया गया। बाबर की मौत कब हुई? दिसंबर 1530 में आगरा में हो गई थी। बाबर की इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए। बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। 6 महीने बाद बाबर के शव को काबुल ले जाया गया। काबुल में बाबर के शव को फिर से दफनाया गया और वहां जो बाबर की कब्र है उसको बागे बाबर कहा जाता है। बाबर के अलावा जहांगीर और बहादुर शाह द्वितीय की कब्र भी भारत के बाहर है। जहांगीर की कब्र पाकिस्तान के लाहौर में है और बहादुर शाह द्वितीय की कब्र जो है वो रंगून में है। हिंदुस्तान में बाबर ने 4 साल तक राज किया था और इस दौरान कई नए प्रयोग भी किए। हिंदुस्तान में कई बदलाव हुए बाबर के आने के बाद। बाबर ने अपने साथ मध्य एशिया युद्ध को लेकर वो यहां आया था और जो बार बार आपको हम युद्ध के बारे में बताते थे तो जिक्र करते थे कि बाबर जो है वो हारने वाला होता था लेकिन जीत जाता था। उसमें बड़ा काम या बड़ी भूमिका निभाते थे वो तोप जो बाबर लेकर आया था और यहां जो राजपूताना थे उनके पास थे नहीं वो तोप, तो उसने तोपों का प्रयोग भारत में पहली बार किया। गाड़ियों को आपस में जोड़ने की जो रूमी शैली थी उसका प्रयोग उसने किया। उज़्बेक युद्ध नीति तुलगमा का भारत में प्रयोग किया था, जो मैंने आपको बताया था कि कैसे वो गाड़ियों को जोड़कर और आगे तोपखाने रखे जाते थे और फिर चारों तरफ से घेर लिया जाता था। ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग सीखा, भारत में इस्तेमाल किया। तुर्कों से घुड़सवारी सीखी, मंगोलों से व्यूह रचना सीखा और सब यहां पर इस्तेमाल करके और उसने अपना साम्राज्य फैला लिया। इन सभी शैलियों का हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया गया और बाबर पहला शासक था जिसने खुद को पादशाह भी कहा। बादशाह आप सुनते हैं, ये पादशाह क्या होता है? इसका मतलब एम्परर यानी सम्राट होता है। अच्छा, बाबर के बारे में एक और बात है, वो ऐसा पहला बादशाह था जिसने अपनी जीवनी लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी और बाबर नामक के अलावा रिसाले उसज की रचना की थी। तो सड़क नामने के लिए गजे बाबरी का भी प्रयोग है। बहुत सारी चीजें बाबर ने इस्तेमाल की। तो मुगल सीरीज में आगे की बातें भी आपको पाठशाला में बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते 50 खबरों पर एक नजर।